मेरा पुनर्जन्म अर्थात श्री भगवान के द्वारा मेरे संपूर्ण अहम अहंकार का नाश करके मेरे स्वार्थ की हत्या और जीवन को जनसेवा के लिए संकल्पबद्ध कराकर पुनर्जन्म देना। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। प्रभु जी की लीलाएँ कृपाएँ भी बड़ी विचित्र होती हैं। जब तक स्वयं प्रभु जी न जना दें तब तक हम उन्हें जानने में असमर्थ होते हैं। मुझे ज्ञानी सत्संग विहीन को अपनी इतनी घटनाओं के बाद अब जाकर पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि जो मैं सोचता हूँ और करता हूँ उसके पीछे किसी और का हाथ है। कोई है जो जैसा चाहता है वैसा ही करता हूँ, जैसा चाहता है लोग वैसा ही मेरे साथ व्यवहार करते हैं। आखिर कौन है वह जो मुझे कठपुतली की तरह नचा रहा है। मेरा दो दिन पहले संकल्प लेना कि जिस दिन तक वासना निगाहों तक सीमित रही तब तक तो ठीक है, परंतु जिस दिन वासना स्पर्श तक आई वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और उस संकल्प को बड़े विचित्र ढंग से टूटना, इस बात को लेकर मेरा मन इत्तेफाक मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जिसने मेरा संपूर्ण अहम अहंकार करता भाव चूर चूर कर दिया, मुझे अपना जीवन का शर्त हारने का जरा सा भी शोक अथवा भय नहीं था। दुख इस बात का था कि किसी पराशक्ति के छल के कारण मृत्यु का वरण करना पड़ रहा है। जीवन का शर्त हारने के बाद मेरा जमीर, मेरी अंतरात्मा पूरी तरह से आत्महत्या का समर्थन कर रही थी, क्योंकि बचपन से ही मेरा स्वभाव था कि मैं जो वादा करता था उसे निभाता जरूर था। इसलिए अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए कंपनी से छूटते ही सीधे यमुना नदी के पुल पर पहुंच गया। अश्रुधारा अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब निर्णय लेना था कि कैसे मरा जाए, नदी में कूद जाऊं या ट्रेन के नीचे। तभी अंतरात्मा ने अपना विचार प्रकट किया कि शिव प्रसाद, तुम्हारे आत्महत्या कर लेने पर तुम्हारा ये शरीर तो सड़गल कर यूं ही नष्ट हो जाएगा, इससे तो अच्छा है आज से तुम अपने लिए मर जाओ और इस शरीर को निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगा दो। अंतर्मन की सलाह दिल को भा गई, अतः फिर एक संकल्प ले लिया, आज से मैं स्वयं के लिए मर गया, अब जीऊँगा तो केवल निस्वार्थ सेवा भाव से दूसरों के लिए ही जीऊँगा। निस्वार्थ सेवक के एक संकल्प ने मुझे आत्महत्या से बचा तो लिया, परंतु अब मेरी जिज्ञासा अति प्रबल हो चुकी थी ये जानने के लिए कि आखिर कौन है जो मुझे कठपुतली की तरह नचा रहा है। कौन है वो जो मुझे जैसा चाहता वैसा ही सोचता हूँ, जैसा चाहता है वैसा ही करता हूँ। कौन है वो जो जैसा चाहता है अन्य लोग मुझसे वैसा ही व्यवहार करते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने पर मैं पूछ बैठता कि मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। कुछ लोगों का जवाब आध्यात्मिक पाया तो मेरा रुझान आध्यात्मिक जगत की ओर हुआ। अब आध्यात्मिक लोगों से सवाल करने लगा कि आप ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं, ईश्वर के बारे में आपका क्या क्या अनुभव है, परंतु किसी के उत्तर से मुझे संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि उनके जवाब में स्वयं के समान ही घटनाओं की अनुभूति ढूंढने में लगा था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस संकल्प के माध्यम से अपना जीवन तो बचा लिया, परंतु अब समस्या थी कि कैसी सेवा। इस विषय में बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी शरणागत भक्त वत्सल की लीलाएं बाकी थीं, जिनमें दुर्लभतम स्थिति, वैराग्य और निष्काम कर्म के प्रैक्टिकली अभ्यास कराना मुख्य है, जिनसे आप भी बहुत कुछ सीख और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रिय मित्रों, इस घटनाओं की पहेली को सुलझाने में मुझे तो महीनों बीत गए, परंतु आप लोगों को अभी बता देता हूँ। जैसा कि भाग 3 में जिक्र किया था कि मैंने अपने जीवन का समस्त भार परमात्मा को अर्पण करते हुए जीवन के सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर चलाने की प्रार्थना की थी, आज जगदीश्वर वही श्रेष्ठतम मार्ग पर चलाने के लिए श्री भगवान मेरे संपूर्ण अहम अहंकार और कर्तव्य की हत्या करके मुझे नया जीवन प्रदान किया।
अन्यथा यदि मुझ में मेरे कर्मों में कर्ता भाव जागृत होता तो मेरा कोई भी सेवा का कार्य निस्वार्थ कहाँ रह जाता। अपने सभी सेवा कार्यों में कर्ता भाव का अहंकार और कर्मफल की आसक्ति से मुक्त हो पाना असंभव था, क्योंकि भगवान की भांति ही भगवान की माया भी बड़ी प्रबल और शक्तिशाली है, जिससे बड़े बड़े ज्ञानी जन भी केवल पुरुषार्थ से ही पार नहीं पा सकते हैं। वैसे भी प्रभु जी जिस पर कृपा करते हैं उसे निष्काम कर्मयोगी बना देते हैं, क्योंकि ये वो अवस्था है जिसमें शांति, मुक्ति और निष्काम भक्ति, प्रेम, आनंद सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रभु जी की अन्य लीलाओं पर अगले भाग में चर्चा जारी रखेंगे। कृपया इस वीडियो को धार्मिक प्रचार अथवा प्रदर्शन न समझें। यह प्रार्थना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म वर्गों के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि सबका मालिक एक है। ये मेरे अनुभव और भागवत गीता का सार है जिसे भगवत प्रेरणा से ही बांट रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं मन की अस्थायी शांति, प्रेम, आनंद और मोक्ष, तो एक दिन इस प्रार्थना को जल अर्पण करते हुए जरूर कीजिएगा। हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे विधाता, ये संसार आपको भिन्न भिन्न नामों से पुकारता है। कोई अल्लाह कहता है तो कोई ईश्वर, कोई ईसा पुकारता है तो कोई वाहेगुरु, परंतु हे नाथ, आप जो भी हैं जैसे भी हैं, अब इस जीवन रूपी ने यह की पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे अब आप ही संभालिए। प्रातः स्नान के बाद केवल एक दिन एक बार एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण के साथ समर्पण की इस प्रार्थना को जरूर कीजिएगा। इस प्रार्थना को अपने परिजनों और बच्चों से भी जरूर करवाएं, जिससे कि उनका जीवन परमात्मा के द्वारा रक्षित, सुरक्षित और भटकाव रहित हो सके। फिर मिलेंगे किसी प्रेरणादायी वीडियो के साथ। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आशीर्वाद प्रदान करें। सादर से हृदय प्रणाम। जय श्री हरि।